नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों की ओर। मगध सम्राट जरासंध के पुष्पित पुलकित मगध की धरती, गौरवशाली अतीत, सभी धर्म के प्रवर्तक कर्मभूमि, लोकप्रिय मुख्यमंत्री के गृह जनपद जिला नालंदा के कराय परसुराय प्रखंड ग्राम पंचायत राजसांध से मृदुभाषी सज्जन, प्रबुद्ध दूरदर्शी सोच, शालीन कर्मवीर, संघर्षशील लोकप्रिय भावी ग्राम पंचायत राजसांध पंचायत समिति के भावी उम्मीदवार रूपा कुमारी ने आज अपना नामांकन प्रखंड कार्यालय पहुंचकर किया। नामांकन में जनसमूह का आंदोलन उमड़ा, जनसलाम, नामांकन में आम आवाम, खास गरीब वंचित का समर्थन रहा। सभी ने एक स्वर से रूपा कुमारी जिंदाबाद के नारों से पूरा प्रखंड कार्यालय गुंजायमान हो गया। रूपा कुमारी के जिंदाबाद के नारे और नामांकन से पंचायत वासियों में उत्साह का माहौल देखा गया। यही उत्साह एक दिन विजय के रूप में परिवर्तन होगा, परिवर्तन आशा की किरण है। उन्होंने कहा कि न्याय के साथ विकास होगा, पंचायत में भ्रष्टाचार नहीं होगा, सभी को उचित मान सम्मान मिले। रूपा कुमारी ने कहा, जन जन के साथ है रूपा कुमारी, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, काम, न्याय और सबका अधिकार, बदलता ग्राम पंचायत राजसंध, बदलता प्रखंड और बिहार। नेशनल भारत की टीम लालन प्रसाद, मैडम आप किस पद से चुनाव लड़ रही हैं? पंचायत समिति पद से। आप बैंकर रही हैं, आप बैंक से काम करके आप जनता के सहानुभूति ली हैं और जनता की सहानुभूति के लगाव से, आपको जनता के सैलाब से आपने पंचायत समिति पद के चुनाव लड़ रही है। क्या पंचायत समिति पद जीत के जाती है तो क्या क्या विकास के कार्य करेंगी? मैं तो पहले सांत पंचायत वासियों को प्रणाम करते हैं, बड़े को छोटे को अभिवादन करते हैं। जीत के आने के बाद जो भी काम बाकी है पंचायत में वो सब काम पूरा करेंगे और सभी जनता वासियों को सब सुनेंगे, करेंगे, जो भी काम बाकी रहेगा सब पूर्ण करेंगे। पूर्ण विश्वास से जो काम नहीं हुआ है उसको पूरा करेंगे। आप बैंक के माध्यम से बहुत सारे लोग को काम किए हैं, ऐसा होता है कि आप जीत के जाते हैं तो उसी के माध्यम से आप पंचायत में भी बहुत सारे काम करेंगे, क्या आप काम कीजिएगा? जी हाँ, उम्मीद है कि उससे ज्यादा ही काम करें कि हमें जनता चुने, दोबारा फिर लावे। ये इनके पति हैं धर्मेंद्र कुमार, ये पत्रकार भी आई है, क्या आप धर्मेंद्र जी आप बताइए, आप अपनी मैम को चुनाव लड़ा रही है, मैडम को, तो क्या इनके कार्य से आप जो चुनाव लड़ा रहे हैं तो आप कितना इनका सहयोग मिलेगा? देखिए, हम सबसे पहले सभी जनता को अपने तरफ से अभिवंदन करते हैं। हम इनको चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं, चुनाव इनको जनता लड़ा रही है, महिला लड़ा रही है। इनकी महिला की सशक्त बैंक के मामले में बहुत अच्छी काम दिखाई है और अभी बैंक के मामले के प्रति ही महिला इच्छुक है और महिला के ही कहने पर ये चुनाव लड़ रही है। महिला सशक्तिकरण है मैडम, महिला को आप आगे विकास के कार्य में लगाएंगे, महिला के सशक्ति मतलब बिल्कुल को आप सहयोग करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। सबसे पहले मैं महिला को ही आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर सब जनता को आगे बढ़ाएंगे। युवा वोटर को आप क्या कहना चाहेंगे, जो युवा वोटर, नए वोटर जो है उनको क्या कहना चाहेंगे? जो बेरोजगार है उनको मैं रोजगार दिलाऊंगा। विकास कुमार इनके समर्थन में है, राम समर्थन में, समर्थन में है, समर्थन में है जी, इनका समर्थन में है। हाँ, वोट पूरा पूरा हम पूरा देंगे, समर्थन में है, समर्थन में है, समर्थन में है, समर्थन में है जी, समर्थन में है। हाँ जी, इनको वोट दीजिएगा ना, वोट दीजिएगा ना। बोलिए ओम प्रकाश जी, नेशनल भारत की टीम आपको धन्यवाद भी करती है, आप आने वाला समय में अच्छा कार्य करेगी, हमको आशा नहीं, पूर्ण विश्वास आप जीत कर भी आएंगे। मैडम इनको समर्थन में है ना, वोट देना चाह रही ना, समर्थन में है ना, अभी समर्थन में है ना, समर्थन में है ना, समर्थन में है ना, इनका जय है ना मैडम, लोग इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए नेशनल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।